सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कोई। कोई ये सुनता ना कि मुगल आ रहे हैं तो बेचारा सरेंडर करता पहले, मरने तो रहे कौन लड़ेगा यार, इतनी बड़ी सेना लेके आगे मरमुरा जाएंगे। पर अब लगा कि ना ना इतनी दम वाली बात नहीं भाई साहब, हल्दी घाटी में जब प्रताप रह सकता था अपने भी इनको रह सकते हैं। तरीका उस वाला अपना लो, वो पहाड़ों में लड़ रहे हम पहाड़ों में लड़ लगे, दत्तानी पहाड़ों में लड़ा गया युद्ध। कि मेवाड़ के इतिहास में जो महत्व है हल्दी घाटी का है, सिरोही के इतिहास में वही महत्व किसका है, दत्तानी का, है ना। तो इमेज टूटना बड़ी जोरदार चीज होती है। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि कई साल पहले तक मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो हुआ करती क्रिकेट वाली टीम, उसके लिए कहा जाता है वो किसी से हारे नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले किससे हार जाए। ऑस्ट्रेलिया लगातार 16 टेस्ट में जीत के इंडिया आता है, 15 टेस्ट में जीत के इंडिया आता है, कितने टेस्ट में जीत के 15, और लगातार 15 में जीत है, मतलब पिछले 15 टेस्ट में उसको कोई भी हराने वाला नहीं हुआ। इंडिया आया, इंडिया आया तो पहले अपने अखबारों ने तो पहले कहना शुरू कर दिया कि भाई इंडिया कितना बुरा हारेगा इस पे देखना है, क्या तीनों मैच हार जाएगा भारत, क्या बचा पाएगा एक भी मैच को, क्या ड्रॉ करा पाएंगे भारतीय खिलाड़ी, मतलब जीत की तो संभावना नहीं थी, ड्रॉ करवा ले वही बहुत बड़ी बात। पहला मैच हुआ बॉम्बे में, हम उस इमेज के खिलाफ लड़ रहे थे, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम उस इमेज के खिलाफ लड़ रहे। इमेज क्या कहती है कि ऑस्ट्रेलिया किसी से हारे नहीं सकता, इसलिए हार गए हम पहले। वो धोनी वाली मूवी का डायलॉग बहुत अच्छा है कि तुम जानते हो हम कहां पे हारे थे, है ना, हम बास्केटबॉल कोर्ट में हार गए थे। कि युवराज की जो इमेज थी ना कि बहुत भयंकर प्लेयर है, हमारे खिलाड़ी जो उसमें मरमुरा गए थे। बॉम्बे में टेस्ट मैच होता है मुझे याद है, वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में, इंडिया 3 दिन में हारती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 500 समथिंग कुछ रन बनाए या 600 समथिंग कुछ रन बनाए, इंडिया दोनों पारियों में मिला के 250 बनाता है एक पारी, और पता नहीं कितने दिन से 3 दिन में रगड़ के रख दिया उन्होंने। अब अगला टेस्ट मैच होना है कलकत्ता, ऑस्ट्रेलिया वालों के पहले से बयान आने शुरू हुए, इस बार 2 दिन में ही भारत को कर देंगे चलता, 3 दिन मनाएंगे कलकत्ता में पिकनिक, अपने वालों को फिटर लगेगी, ये मारेंगे जिसमें शक नहीं। वापस ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, डेढ़ एक दिन की बैटिंग की, और डेढ़ एक दिन की बैटिंग के अंदर फिर मारा उन्होंने बैंकर वाले, वही 576 का आगे से कोई विशाल स्कोर खड़ा किया। इंडिया का तुम खेलो अपने वाले 125 में बार, 125 पे बार, तो ऑस्ट्रेलिया वालों को एक बार और खेल लो, आज शाम तक सारे 12 आ जाओगे। दूसरे दिन का गेम, दूसरे दिन वापस जाके खेलने शुरू हुए, और जाते जाते इंडिया के 3 विकेट फिर गिर गए। तो कहा आप कल सुबह जल्दी जल्दी आएंगे, सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया वालों को वैसे ही इतनी बहुत रफ्तार में स्विंग मिलनी शुरू होगी, तो अपने वाले वैसे ही आधे घंटे में बाहर आ जाएंगे। दूसरे दिन बैटिंग करने के लिए लक्ष्मण और द्रविड़ पूरा दिन खेल गए, पूरे दिन विकेट ही नहीं, पूरा दिन ही खेल गए। तीसरे दिन वापस खेल गए, लक्ष्मण बनाया 281, द्रविड़ बना के 180, टैलेंडर लास्ट में थोड़े और बना गए 232 का, आगे से लक्ष्य दिया। अब पांचवा दिन इंडियन पिच है, इतनी मिट्टी उड़ती है कि बॉल यहां टपक आगे किधर जाएगी पता ही नहीं है, इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है। हरभजन सिंह इकट्ठे कर गया सबको, इंडिया टेस्ट में जीत गया, इमेज टूटी कि ऑस्ट्रेलिया को भी हराया जा सकता है। इसलिए अगला टेस्ट मैच, देखो कॉन्फिडेंस क्या चीज होती है, अगले टेस्ट मैच में गांगुली कैप्टन, वो ऑस्ट्रेलिया जो किसी को धारा नहीं करता था उसके कप्तान को गांगुली ने टॉस के लिए वेट करवा दिया था। स्टीव वॉ जाके टॉस के लिए खड़ा हो गया, गांगुली टॉस करने नहीं गया, जीते हुए आराम से जाएंगे इस बार अपने, गांगुली आराम से गया। तो स्टीव वॉ वैसे ही वो खाया, यार मेरे को वेट करा लो, स्टीव वॉ कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन हूं, दादा ने कहा वैसे ऐसा ही होगा, पिछला जीते हैं हम इस बार। चेन्नई का टेस्ट मैच इंडिया फिर जीता है, तेंदुलकर शतक मारता है इंडिया फिर जीत जाता है। पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, उनकी इमेज के खिलाफ लड़ रहा था, जिस दिन इमेज टूटी ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का बंटाधार है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वो टीम कभी नहीं रही, जीती उसके बाद भी खूब सारे मैच जीती होगी, पर वो जो खौफ हुआ करता डर हुआ करता तो मिट गया था। उसके बाद इंडिया हर दौरे में ऑस्ट्रेलिया जाके भी वहां पे टेस्ट मैच जीत लिया करती, ऑस्ट्रेलिया जाके भी वहां पे मैच को ड्रॉ करवा लिया करती। ये का ये सेम हुआ करता था वेस्टइंडीज, किसी टाइम में वेस्टइंडीज वालों का हुआ करता था। वेस्टइंडीज का एक कैप्टन हुआ रिची रिचर्डसन नाम का उनका एक कैप्टन हुआ। 1994 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में पहली बार हेलमेट पहनता वो, 74 मैच के बाद उसने 74 मैच तक अभी हेलमेट नहीं पहना था, ताबरों के सामने हेलमेट पहन, उस दिन मैकग्रा की बॉलिंग के सामने वो पहली बार हेलमेट पहना था। तो अभी भी कहा जाता है कि वेस्टइंडीज की क्रिकेट किस दिन मर गई, कि जिस दिन रिचर्डसन ने हेलमेट पहन लिया था, और डर की शुरुआत थी। 94 के बाद वेस्टइंडीज नहीं जीता, उसके बाद में फिर आगे ऑस्ट्रेलिया ही है, पूरी ऑस्ट्रेलिया की दहाक रही है। इसलिए इमेज के टूटने, छवियों के टूटने बहुत बड़ी चीज होती है, है ना। आजकल ये पार्टियां ज्यादातर तो इसलिए हार जाती है कि सामने बीजेपी है, उस इमेज से हार रही है। उनको लगता है कि ये दोनों भाई मिलके कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर जाएंगे और अपनी पार नहीं पड़ेगी। जिस दिन इमेज टूटने लगेगी उस दिन सब जगह हार जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ये हल्दी घाटी युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता क्या, इस युद्ध ने क्या तोड़ दिया था, मुगलों की वो